एवरीवन, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। मैं हूं जो आप सभी लोकेशन पर हार्दिक स्वागत करती हूं। सो आज जो हम खास रीडिंग करने वाले हैं और आप लोगों के लिए जो सरप्राइजेस है वो मैं एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले तो बताती हूं कि हम सभी लोगों को गीता बहुत सभी लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता में उन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होती है जिस कहीं ना कहीं हम तलाश करते हैं। ठीक है, जब महाभारत हो रही थी तो अर्जुन को कृष्ण जी ने जो जो गाइडेंस दिया है, उनको जो जो बोला है, वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और वो अगर हम जान ले तो हमें सारे सवालों का जवाब मिल जाती है। ये एक बात है। तो आज हम एक एक करके वही जानेंगे। और मैंने थोड़ी सी कोशिश किया कि अपने इंट्यूशन के थ्रू आप लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँ, इसके लिए मैंने कुछ रेडी किया है। सो आई होप मैं हेल्प कर पाऊंगी अभी, बाकी तो उनकी मुरली मनोहर की मर्जी। तो आज उनकी ही गाइडेंस हम देखेंगे और वो गीता के कुछ श्लोक्स होंगे और उसी के साथ कृष्णा जी ने जो जो गाइड किया है वो रहेंगे। तो भी मैं आगे बढ़ती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस रहेगी वो है बहुत कलरफुल ऑप्शंस, वो है ये पेपर्स रहेगा। तो अगर आपको ये रेड पेपर अट्रैक्ट करिए सो यू कैन चूज दिस वन। सेकंड जो है ब्लू ऑप्शन है, थर्ड जो है येलो है, एंड फोर्थ जो है स्किन कलर है। मैं एक बार आपको सामने से दिखा देती हूँ और मैं साउंड प्ले कर रही हूँ, सो यू कैन चूज प्रॉपरली। ओके, आई होप आपने चूज कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले बता दो, अगर कोई भी पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन से। हेलो ऑप्शन वन, जिन्होंने भी रेड पेपर को चूज किया है तो बहुत खूबसूरत एक कलर है। एंड रेड के बारे में क्या बताओ, ये क्या बताती है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने इसीलिए चूज किया है क्योंकि कहीं ना कहीं रेड पैशन को दर्शाता है। कहीं ना कहीं रेड यू नो जहां पर आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ कर सकते हो उसके बारे में बता सकता है। मुझे ऐसा लगता है आप लोग बहुत ही करेजियस पीपल हो और विटैलिटी को भी बताता है कहीं ना कहीं रेड कलर। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग खुद के मर्जी के मालिक हो, कहीं ना कहीं खुद की सुनना और खुद की करना ज्यादा प्रेफर करते हो। सो मैं जो फर्स्टली करने वाली हूँ, यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो बहुत कलर की चिप्स है। इसको थोड़ी सी मैं क्लोज ला रही हूँ। बहुत कलर की चिप्स है, मैंने कोशिश किया है यहाँ पर वो श्लोक्स लिखने की और प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन करने की। सो मैंने इंग्लिश में उसको लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए और मुझे भी ऑल्सो एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो हर कलर से हम एक एक करके चिप लेंगे, ठीक है, और हर कलर में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। सो लेट्स सी फॉर ऑप्शन वन। सी ये रेड आना चाहती है सो हम इसको लेंगे, ये कलर आना चाहते हैं तो हम इसको लेंगे, और इस कलर से हमें सिर्फ एक और चिट चाहिए, हम इसको ले लेते हैं। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आया हुआ है। सबसे पहले है, आई होप आप देख पा रहे हो, डू नॉट वरी फॉर फ्यूचर, लिव इन द प्रेजेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हो कि आप बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर को लेकर टेंस हो। अगर आप उन लोगों में से हो जो कि फ्यूचर को लेकर ज्यादा सोचते हो और प्रेजेंट के बजाय फ्यूचर में ज्यादा रहते हो, तो यहाँ पर तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने प्रेजेंट में जीने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जब तक आप प्रेजेंट को अच्छे से नहीं जियोगे तब तक आप अपने फ्यूचर को ब्राइट नहीं कर पाओगे। फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए बहुत जरूरत है कि आप अपने प्रेजेंट को अच्छा करो, ठीक है। उसके बाद ये ब्लू से देखते हैं। द की टू हैप्पीनेस इज रिडक्शन ऑफ डिजायर्स। सो आई थिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं कृष्णा जी ये बोलना चाहते हैं कि हम ऐसे लोग हैं कि हम
मनुष्य ऐसे हैं, ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो आसानी से कुछ चीजों को लेकर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और स्पेशली जब हमारी डिजायर्स की बात आ जाए, खुशी की बात आ जाए, तो हमारी जो डिजायर्स होती है जो वो फुलफिल होने से हमें खुशी मिलती है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो बढ़ जाती है कि एक इच्छा पूरा नहीं हुआ चलो दूसरे के पीछे, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरे के पीछे। तो इच्छाओं की कमी नहीं है, बट यहाँ पर आप कहीं ना कहीं स्पिरिट बोलना चाहते हैं कि आपको क्या मिल रहा है, उसके लिए क्या आप शुक्रगुजार हो, उसके लिए क्या आप खुशी मना रहे हो। तो यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं कि खुद को भी आप उसके लिए शाबाशी दो, उसी के साथ स्पिरिट्स को भी दो। कान्हा जी वही बताना चाहते हैं, तभी जाके आपने जो अचीव किया है या फिर आपके पास जो है उसके लिए जब तक आप शुक्रगुजार नहीं होंगे तब तक उसकी खुशी आपको महसूस नहीं होगी। आपको वो बहुत ज्यादा वो आंख में ही नहीं भाएगा। और अगर देखना चाहते हैं तो आसपास थोड़ी सी देखिए कि आपके पास जो है क्या और लोगों के पास है, नहीं है। तो जिनके पास नहीं है तो आपके पास है, तो इसके लिए एटलीस्ट थैंक यू बोलिए और उसके बाद आगे चलते जाइए, वो अलग बात है, लेकिन थैंक यू बोलना मत भूलिए। ये कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं आपके कान्हा जी, या फिर आप जिनको भी मानते हो उनके तरफ से ले सकते हो ये मैसेज। उसके बाद है, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल एंड फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। या ये हम सभी को पता है, और हमेशा मैं आपको यही बताती हूँ कि जो लोग दावा करते हैं कि आपके साथ यही होने वाला है और यही आपके साथ होगा, कुछ हम जान सकते हैं, कुछ चीजों के बारे में हम बता सकते हैं, कुछ चीजों का आइडिया हम दे सकते हैं कि आपको आपके साथ ये हो सकता है, कुछ हम दिखा रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो बदलता रहता है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, तो मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि इस साल में आप जो प्रेडिक्शन मुझसे ले रहे हैं, एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो अगले साल भी वैलिड रहे, क्योंकि साल के साथ साथ और साल के साथ तो रेखा बदलती है, उसी के साथ कहीं ना कहीं समय, आप अगर मुझे वो समय बता देते हैं तो उस समय के अंदर क्या हो सकती है वो हमें बता सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी लाइफ जर्नी के बारे में हम पूरी गारंटेडली बता दे कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी अभी तक पैदा नहीं हुआ है कि आपको बता दे। आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, आप कुछ बता सकते हैं, उसका अंदाजा दे सकते हैं कि आपके साथ ये हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है एग्जैक्टली कोई भी नहीं बता सकता। तो यही कान्हा जी बोलना चाहते हैं कि अगर कुछ चीजें ऐसी है जिसमें आप फंसे हुए हो, आपका दिमाग है कि यही होने वाला है या फिर मुझे यही करना है या फिर इन्होंने तो यही कहा था तो यही होना चाहिए, नहीं, चीजें कब बदल जाए, कब सारी चीजें पलट जाए, काया पलट जाए, वो हमें पता नहीं चलता, वो चीजों को चेंज होने में देर नहीं लगता। तो लाइफ भी वैसा ही है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, उसमें बहुत सारी ट्विस्ट आती है, बहुत सारी टर्न्स आती है, आपको वो समझने की जरूरत है, ठीक है। हमेशा आप कुछ ना कुछ ऐसा टिंग टोंग होते ही रहता है हमारे लाइफ में कि ये कभी पता चल गया, ये हो गया बहुत सडन, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। वो आप किसी को भी नहीं बता सकते हो, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो या फिर किसी को समझा भी नहीं सकते हो, ये लाइफ है। उसके बाद है, लास्ट हैंकर एंड ग्रीड आर द थ्री डोर्स टू हेल। यहाँ पर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ग्रीडीनेस है, ट्रस्ट मी पायल वन, अगर आप इसके साथ रिलेट कर पा रहे हो तो वेरी गुड, अगर नहीं लग रहा है कि नहीं मेरे साथ नहीं जा रहा है तो इट्स ओके, जो जा रहा है वो रख लो, क्योंकि ये जनरल है, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक नीडीनेस मुझे दिख रहा है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, तो मुझे ये पानी है, वो पानी है, मेहनत ही हो, मेहनत करो, ये नहीं बोल रही हूँ, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा सोचने से एंड बहुत ज्यादा चाहने से क्या हो रहा है कि अगर वो नहीं हो रहा है वो एंगर में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए लास्ट यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आप समझ लो कैसे मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है, क्योंकि लव लाइफ को लेकर भी बहुत लोग देख सकते हो। तो लास्ट एंगर और ग्रीड, ये जो थ्री डोर्स है, ये कहीं ना कहीं आपको नरक की ओर ले जाता है। नरक की ओर से मतलब स्वर्ग क्या नरक क्या हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन
यहाँ पर कान्हा जी आपको ये बताना चाहते हैं, ऐसी इमोशंस, ऐसी हमेशा फ्रस्ट्रेशन में आप डूबे रहोगे जो कि आपको सुकून नहीं देगा। तो सुकून जब आपको नहीं मिलता है तो वो नरक की ही अनुभूति देती है, ये मुझे लगता है। तो डेफिनेटली खुद को खुश करने के लिए, खुद के लाइफ को सुकून भरी बनाने के लिए आपको इन सारी चीजों का, जो ये तीन चीजें हैं, ये त्याग करने की जरूरत है। जहां पर आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा लस्ट की आपकी एनर्जी है, या फिर बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस है, तो इन सारी चीजों को आपको कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अपने लाइफ से कम करता हुआ, तो आप उन प्रेजेंट में जी पाओगे जहां पर आपके पास जो है उसको लेकर आप सेटिस्फाइड रह पाओगे, उसको लेकर खुश रह पाओगे। ठीक है, तो या मुझे यहाँ पर से तो ये पता चल रही है। सो अभी लास्टली हम एंजल की तरफ से सिर्फ एक मैसेज ले लेते हैं कि आपके एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, और फिर हम इस रीडिंग को यहाँ पर खत्म करेंगे। तो आपके लिए है ट्रस्ट, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, खुद के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, एंड यू आर रेडी। देखो आप रेडी हो, ठीक है, स्पिरिट्स कहने के बोल रहे हैं कि आप रेडी हो। सिर्फ और सिर्फ आपको जो चीजों की जरूरत है वो है कुछ विश्वास, और जो जो मैंने आपको गाइड किया है प्लीज उसके ऊपर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा गाइडेंस नहीं है, ये स्वयं कान्हा जी आपको बोलना चाहते हैं, और ये उनकी ही वचन है जो आपके लिए आया हुआ है। अगर आपके साथ ये जा रहा है तो डेफिनेटली आपको वो कुछ ना कुछ बताना तो जरूर चाहता है, राइट? तो इसके ऊपर गौर कीजिए, आई थिंक आपको इससे कहीं ना कहीं सोल्यूशन जरूर मिलेगा। सो या दिस इज ऑल आई फॉर यू, आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, तो यूनिवर्स को थैंक करो, मुझे बताओ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाओ, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हे ऑप्शन टू, दिस इज योर रीडिंग, देख लेता है जिन्होंने भी इन स्काई कलर को चूज किया, ब्यूटिफुल सा कलर को चूज किया है। सो ये रीडिंग है आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है ये प्योरिटी की निशानी है, ठीक है, ये मेंटल क्लैरिटी की निशानी है, कंपैशन की निशानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पायल है बहुत सॉर्टेड है, मुझे ऐसा लगता है इस पायल को चीजों की बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहती है और बहुत ज्यादा समझ रहती है, कब क्या करनी चाहिए, क्यों हो रहा है, तो बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी जिसको बोलते हैं तो इस पायल के पास रहती है। और इसी के साथ मैं बताऊंगी कि बहुत प्योर हो आप लोग, सेंसिटिव हो, बहुत अंदर से दिल बहुत बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है, और दैट्स वाई शायद आपने इस कलर को चूज किया है। सो लेट्स सी, ये जो मैं अभी आप लोगों के लिए चिट्स निकालूंगी, ये मेरी कोई यहाँ पर बातें नहीं है, यहाँ पर ये कृष्णा जी की श्लोक है, और जो भी आएगा, जो भी श्लोक आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, सो दैट आप समझ लेना कि आपको कान्हा जी क्या बताना चाहते हैं। सो इसको थोड़ी सी क्लींस कर लेता है पहले वन की एनर्जी, जस्ट अ सेकेंड, थैंक यू। ओके, हम चारों कलर से चारों चिट्स लेंगे और देख लेंगे कि कान्हा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सी व्हाट अ कोइंसिडेंस, चारों कलर से चारों चिट्ठी आया हुआ है, तो हम इसको लेंगे क्योंकि यहाँ पर आई थिंक कुछ बताना चाहते हैं। फिर से सेट योर हार्ट अप, ओके, सेट योर हार्ट अपन द वर्क बट नेवर इट्स रिवॉर्ड। ओके, तो फर्स्ट मैसेज जो बहुत खूबसूरत है आप लोगों के लिए वो है, कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि क्योंकि आप बहुत ज्यादा अंदर से, मैंने जैसे कहा, बहुत लाइट हार्टेड, बहुत प्योर हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि अपना ध्यान उस, कैसे समझाऊं, सपोज आपने एक बीज बोया है तो आप उस ट्री को बहुत देखभाल करो, बहुत देखभाल करो, आप उसको इसीलिए देखभाल मत करो कि कब वो आपको फ्रूट्स देगा, कब उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, रिवॉर्ड्स के बारे में ज्यादा मत सोचो, बल्कि आप जो वर्क कर रहे हो, ट्रीज आपको लगानी है बहुत सारी इसकी, क्योंकि आप अगर ट्री लगाओगे तो आपको इससे बहुत अच्छा भी लगता है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, नेचर हमें बहुत कुछ देता है, उसके साथ आपका घर बहुत शीतल रहेगा अगर उसके नीचे आप खड़े होते हो तो, बात की बात है कि वो कब फ्रूट देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं वही बोला जा रहा है कि अपना कर्म करते जाओ, आपको जो आपका जो कर्म है उसके ऊपर ध्यान दो, कब उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ना,
इसके बारे में मत सोचो। ओके, फिर नेक्स्ट जो आपके लिए है वो है ही हु हैज नो अटैचमेंट्स कैन रियली लव अदर्स फॉर हिज लव इज प्योर एंड डिवाइन। सी, मैंने आपको बार बार प्योरिटी 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 कहा, यहाँ पर भी प्योर वर्ड है एंड ऑल्सो यहाँ पर भी कहा पर है हर्ट, हर्ट जो वर्ड होती है वो है, तो ये कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहा है दैट आपके सोल बहुत खूबसूरत है। उसी के साथ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की वजह से कुछ चीजें आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हो। देखो, दूसरी जो बात है वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो इंसान किसी से अटैच्ड बहुत ज्यादा हो जाते हैं वो ना खुद को खुश रख पाता है ना ही उस इंसान को खुश रख पाता है। तो आप सोचो कि ये कैसी बात है, अटैचमेंट अगर नहीं हुई तो हम उसे कैसे खुश रखेंगे। तो जब मैं ये श्लोक लिख रही थी तो मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई, बल्कि मैं ये श्लोक बार बार पढ़ रही थी कि इसकी मीनिंग क्या है, उन्होंने कुछ कहा है, मतलब इसकी कुछ तो मतलब होगी। तो मैंने बहुत देर तक सोचा और इसको मैंने रिपीटेडली पढ़ा। फिर जाके मुझे समझ में आई कि यहाँ पर वो बताना चाहते हैं, अगर आप सभी को समान तरीके से प्यार करते हो, जैसे कि आप अगर सपोज आपके बहुत सारे भाई बहन हैं या फिर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे दोस्त हैं, हम क्या हो जाते हैं, एक एक कोई एक इंसान ऐसा होता है जिससे हम लगाव रहता है, लेकिन बाकी के दोस्तों से भी हम प्यार करते हैं लेकिन उसके साथ लगाव ज्यादा होते हैं। तो वहां पर क्या आप सम्मान से प्यार बांट पा रहे हो, ये सबसे पहले बताओ, नहीं होता है। अब क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है और बच्चों के बारे में तो मैं बता नहीं सकती कि यहाँ पर क्या होती है, लेकिन काफी सुना है, काफी देखा है कि कभी कभी हमारे बच्चों में भी कभी कभी पेरेंट्स फर्क करने लगते हैं, कोई पेरेंट्स के करीब बहुत रह जाता है, तो मुझे ऐसा देखा है मैंने। सो इसलिए मैंने बोला है, अदरवाइज इसको वैसे मत लीजिए, हो सकते है कि आप उनमें से नहीं हो, लेकिन दोस्तों से तो डेफिनेटली मैं बोल ही सकती हूँ क्योंकि वो मैंने भी रियलाइज किया है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं कान्हा जी बोल रहे हैं, जीवन में आपको जो भी मिल रहा है वो कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें भी हो सकती है, उससे कभी अटैच मत हो, क्योंकि वो इंसान के बारे में है या फिर कोई एक वस्तु के बारे में है। अगर आप अटैच्ड हो जाते हो, आप सम्मान से सारी चीजों को प्यार नहीं दे पाते, और दूसरी बात, अगर वो चीजें आपके हाथ से चली जाए उसके बाद जो आपको पेन मिलता है, मतलब वो क्या बताए। तो यहाँ पर आपको यही गाइड किया जा रहा है कि किसी चीज या फिर किसी इंसान से आसानी से अटैच मत हुआ करो, ठीक है, तो वो आपको वो दर्द नहीं दे पाएगा क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो, आप वो दर्द डिजर्व नहीं करते हो। तो आप डिवाइन लव और प्योर लव को समझने के लिए सबसे पहले अटैचमेंट को आपको भूलनी पड़ेगी, आपको समान तरीके से सभी चीजों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, प्यार करनी पड़ेगी, लेकिन अटैच नहीं होना है, प्यार करो लेकिन अटैच नहीं होना है। अटैचमेंट और लव में बहुत फर्क है, बैठ के थोड़ी सी सोचो, आप समझ जाओगे। उसके बाद है ये, हाँ, चीन का कथा, द माइंड, ओके, द माइंड अलोन इज वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी। कितना सही बात है। गीता अगर पढ़ते हो ना तो सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन तो हमें वहां पर ही मिलता है। अब खुद ही सोचो कितनी सही उन्होंने बोला है, द माइंड अलोन इज वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी। ये जो खाली दिमाग है ना, ये जो खाली दिमाग है, ये हमारी या तो फिर दोस्त हो सकती है या तो फिर हमारी दुश्मन। आपको क्या बनानी है, बहुत सारे थॉट्स आई थिंक आप में चलती रहती है और यही जो आपकी थॉट्स आती है या तो फिर आपको आपके लिए दोस्त बनाएगा जहां पर आपको समझना है। सपोज आप
किसी से प्यार करते हो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप खुद के साथ रिलेट कर लीजिए, और आप उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा उसको प्यार समझ रहे हो, लेकिन वो प्यार है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्यार नहीं है, लेकिन वो प्यार से भी ज्यादा अटैचमेंट है क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ चुकी है। अगर उस आदत को भूलते हो और उन्हें जो प्यार करते हो उसके दिल में रखते हो और अपने आपको समझाते हो, आगे बढ़ते हो, तो आप खुद के लिए क्या साबित हुए, एनिमी या फिर फ्रेंड? उससे आपको क्या मिल रहा है? आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो, सुकून पा रहे हो, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हमें नहीं मिला तो क्या, चलो आगे चलते हैं, क्योंकि लाइफ तो छोटी होती नहीं है, हमें आगे बढ़नी पड़ती है। ये जो थॉट्स है ये मेडिटेशन करके आपको मिल सकता है, ये थॉट्स गीता पढ़ के मिल सकता है, ये थॉट्स कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में चलने पर, आगे बढ़ने पर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। आई डोंट नो आप लोगों को आज की सेशन कैसी लग रही है, बट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ऐसी रीडिंग कर रही हूँ। तो जरूर कमेंट में जानना चाहूंगी कि आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक जो ऊपर लिखी थी, जो मुझे चैनल हुआ था, चीन की कथा, ठीक है, ये जो कथा है इसके बारे में थोड़ी सी बोलती हूँ। ये मैंने कहीं पर पढ़ा था कि चीन में एक कथा बहुत मशहूर था, ये स्टोरी बहुत लॉन्ग है बट मैं इसको शॉर्ट करके आपको बोलूंगी ताकि आपको पता चले कि हमारा दिमाग ही हमारे लिए सब कुछ है। चीन में एक इंसान उसके गुरु के पास गया और कहा कि मैं सन्यासी बनना चाहती हूँ, सन्यासी धर्म लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तू ये दिमाग से, तू पूरी तरीके से बनना चाहता है या फिर सिर्फ पोशाक में तू बनना चाहता है, पोशाक पहन के ऊपर बनना चाहता है। तो उसने कहा सन्यासी बनना चाहती हूँ, तो पूरी तरीके से बनना चाहती हूँ, दिल से बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं तुझे एक कार्य देता हूँ, तू इन धर्मशाला में जितनी भी वहां पर आई थिंक 500 सन्यासी थी, तो उनके लिए तू चावल कूटेगा, जब तक मैं तेरे पास ना आऊं तू वही काम करेगा, और जब मुझे लगेगा कि तू अभी तैयार है तब मैं तेरे पास आ जाऊंगी, तब तक तू वही पर रहेगा, वहां से कहीं नहीं जाएगा, वही काम करेगा सर। तो जैसे कि एक छोटे से कमरे में वो उन सारे सन्यासी के लिए सिर्फ और सिर्फ वो चाल कूदता था, और पहले पहले वो सोचता था कब आएगा, क्यों मुझे ऐसा कार्य नहीं दिया, बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में आता रहता था, और एक टाइम बाद आना बंद हो गया, सारे कुछ बंद हो गया, ना उसके पास कोई थॉट्स रह गया, ना उसने सोच उसके दिमाग में रह गया, ना उसने सोचना जरूरी समझा, टाइम के साथ साथ उसका जो सोचना है वो बंद हो गया। और एक दिन की बात है, जब गुरु बहुत ज्यादा बीमार थे तो उन्होंने अनाउंस किया कि अभी मेरी जो बात की जो मेरी जो गद्दी है वो किसी को मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ, तो इसके लिए आप लोगों को जो करनी पड़ेगी अपने अंदर से, आपने अपने लाइफ से जो सीखा है, किसी जगह से आप श्लोक नहीं चुरा सकते हो, किसी जगह से आप नहीं ले सकते हो, अपने लाइफ की एक्सपीरियंस लेके आपको वो मेरे दरवाजे पर लिखना है। अगर सुबह उठ के मैं देखूं कि हाँ वो सच में आपके ही वचन है तो आप ही बनोगे। तो गुरु ने ऐसा कहा तो सभी डर गए, क्योंकि सभी वेद पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, वो सारे कुछ सभी को पता है, लेकिन अपने लाइफ से क्या एक्सपीरियंस बताया जाए, क्योंकि वेद पुराण में ही तो सारा कुछ है। तो किसी सन्यासी ने बहुत आगे बढ़ के, बहुत साहस से एक जगह से उसने कुछ मिरर की कथा लिखी थी, ठीक है, तो वो कहीं पर से चुराया हुआ था, मुझे वो कथा याद नहीं है, तो वहां पर था कि मन, मैं श्लोक एग्जैक्टली नहीं बता सकती बट मुझे पता है कि उसका मीनिंग क्या था। तो उसका मीनिंग था कि हमारी मन कांच की तरह होती है, इसमें मैल पड़ जाती है, जैसे कांच को साफ करने से दिखता है तो मन को भी साफ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मन में जो मैल हो जाती है उसको साफ अगर कर दो तो वो एकदम स्वच्छ हो जाती है।
ऐसा कुछ श्लोक था, ठीक है। तो ऐसा कुछ कहावत थी, तो वहां पर गुरु देख के तो बहुत गुस्सा हो गया, किस मूर्ख ने लिखा है ये, क्योंकि उसने कहीं से चुराया हुआ था। तो वो भाग गया बहुत, मतलब वो भाग गया डर से। और उसके बाद तो सभी जो सन्यासी है तो वो कहावत बोलने लगे कि ये बहुत ही अच्छा वचन है, तो गुरु ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, शायद गुरु बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो बोलते बोलते उस वो जो लड़का था सन्यासी बनने आया था, तो उसके कमरे से गुजर रहा था, तो वो उसने सुना और हंस दिया। तो और सन्यासी ने कहा कि तू हंसा क्यों, तो उन्होंने फिर कहा कि क्या मन और क्या उसका मिरर क्या है वो, क्योंकि मन में मैल जम ही नहीं सकता अगर हमारे दिमाग में वो थॉट्स ना आए, कुछ ऐसी कहावत थी। तो मतलब मन में कुछ नहीं हो सकता, उसने अपने लाइफ से यही सीखा है कि मन में कुछ नहीं रह सकता अगर वो पूरी तरीके से शांत हो जाए, जैसे कि इसके साथ हुआ है। तो उसने ऐसा कहा और वो लोग उन लोगों ने कहा कि ठीक है चलो। तो फिर गुरु रात में आए और गुरु ने उसे कहा कि मुझे पता है तुझे लाइफ की शिक्षा मिल गई है, अभी तू यहाँ से जा सकता है, क्योंकि अगर तू यहाँ पर रहेगा तो इन लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है और उसके बाद भी ये लोग कुछ हासिल न कर पाए, तू कर ले, सिर्फ जो एक चावल कूटता है तो ये हिंसा में बहुत कुछ कर सकता है, तो तुझे यहाँ पर से जानी चाहिए। तो ऐसी कुछ है। और जो टाइमिंग था वो मैंने नहीं बताया, वो है 12 ईयर, ठीक है, 12 ईयर था जो उसने ये काम किया और इससे उसने ये सारी सीखा। आई डोंट नो ये क्यों आया है और मैं ये क्यों बता रही हूँ, कुछ ना कुछ आप रिलेट कर पाए हो, शायद इससे आपको कुछ पता चली है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी जो मन है इसको शांत रखने की जरूरत है, यही बताना चाहते हैं कान्हा जी आपको कि आपका मन शायद बहुत उतावला हो रही है कुछ चीजों को लेकर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो खुद को संभालने की कोशिश कीजिए। और लास्टली आपके लिए जो मैसेज है वो है लास्ट एंगर एंड ग्रीड आर द 3 डोर्स टू हेल। तो यहाँ पर नीडीनेस जो होती है, जो गुस्सा होती है, बहुत पाने की जो चाहत होती है, किसी को पाने की चाहत या फिर कुछ पाने की चाहत, वही हमें कहीं ना कहीं नरक की ओर ले जाती है। तो नरक क्या होती है, नरक स्वर्ग हमने नहीं देखा है, लेकिन नरक वो चीजें होती है जो आपको सुकून से नहीं रहने देती है। तो नरक की अनुभूति आपको वहां पर ही होगा जहां पर आप सुकून नहीं पाओगे, आपका दिल दिमाग बेचैन रहेगा। तो आप अगर इसकी त्याग करते हो तो आपका दिमाग शांत हो जाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करने की जरूरत है। ओके, सो चलिए लास्टली देख लेता है कि आपके एंजल्स जो हैं आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड। सी, मैंने जैसे कहा मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो यहाँ पर इस पायल को बहुत ज्यादा जरूरत है मेडिटेशन करने की, ठीक है, ऐसा ही मुझे फील हुआ था और ऐसा ही आंसर आया है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी जो भी सिचुएशन है वो सही हो जाएगी, इसको लेकर ज्यादा मत सोचिए। सिर्फ मैंने आपको जो जो गाइड किया है, और मैंने गाइड नहीं किया बल्कि कान्हा जी ने गाइड किया और मैं एक जरिया बनी। तो अगर आपको हेल्प हुई है तो जरूर उनको थैंक बोलना और मुझे बताना, सब्सक्राइब करके जाना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो, ऑप्शन 3, जिन्होंने भी येलो कलर की पेपर को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है आपने इस कलर को इसलिए चूज किया है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत आशावादी है, एंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी आप में भरा हुआ है, बहुत क्रिएटिव पीपल हो, बहुत शार्प माइंडेड हो और आइडियाज बहुत क्रिएट कर सकते हो, आइडियाज बहुत सही है आपके, तो मुझे ऐसा लग रहा है। सो इसीलिए आपने चूज किया है। अभी लेट सी क्या पता चलते हैं, इससे पहले थोड़ी सी हम एनर्जी पायल 2 की क्लींस कर लेते हैं। थैंक यू। ओके, सबसे पहले हम जो गीता के श्लोक से यहाँ पर लिखा हुआ है वो निकालेंगे और यहाँ पर जो चारों कलर के पेपर हैं, तो यहाँ पर से चारों कलर के हम पेपर निकालेंगे एक एक करके। ओके, ठीक है, हमें मिल गई है। सो देख लेते हैं
क्या क्या आ रही हैं। सबसे पहले आपके लिए जो है वो है, इट इज बेटर टू परफॉर्म ओन ड्यूटीज इम्परफेक्टली देन टू मास्टर द ड्यूटीज ऑफ अनदर। बहुत सही बात है, बहुत सही बात। यहां पर कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि आप अपनी किसी ने कुछ काम दिया उसमें आप मास्टरी आपको हासिल हो गया, उससे अच्छा है कि आप खुद के अंदर काम करके छोटी सी चीज अचीव कर सको, क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हो। मुझे ऐसा लगता है कि यू नो कभी कभी हम ऐसे चीजों में फंस जाते हैं, हमें करनी पड़ती है, मजबूरी होती है, बल्कि हमारे अंदर बहुत टैलेंट होती है, उसके बाद भी हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं और क्रेडिट वो ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप उन लोगों में से हो जो मेहनत करते हो लेकिन आपको उसका सच में रिवॉर्ड नहीं मिल पाता, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हो वो क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। या फिर आप जो भी करते हो उसको नजरअंदाज किया जाता है, बल्कि आप बहुत कुछ करते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप खुद के लिए कुछ करो, आप खुद से कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आप कर सकते हो, आप में वो काबिलियत है कि आप कर सकते हो। तो यहाँ पर कान्हा जी आपको बोल रहे हैं कि अपने जो भी क्रिएटिविटी है, अपने अंदर जो भी क्षमता है, उसको एकत्रित करो और कोशिश करो कि आप कितना खुद से कर सकते हो, किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। ओके, सो उसके बाद जो आपके लिए है वो है, द की टू हैप्पीनेस इज रिडक्शन ऑफ डिजायर्स। ये जो बात है, ये बात थोड़ी सी सोच में कहीं ना कहीं आपको रखेगा कि ये बात है कि आप हम सबकी यू नो बहुत डिजायर्स होती है, सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी डिजायर्स होती है, हमें सब कुछ फुलफिल करनी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये हो जाती है, कहीं ना कहीं हम जब कुछ अचीव कर लेते हैं उसके लिए शुक्रिया अदा नहीं करते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार नहीं होते हैं, उसकी खुशी नहीं मनाते हैं। सबसे बड़ी चीज कि वो पाने की जो खुशी है, जो चाहत, वो कहीं ना कहीं हम मनाते नहीं। और यही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है कि हम अपने लाइफ में जो करते हैं उसकी खुशी नहीं मनाते हैं और फिर और कुछ पाने की चाहत लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी ये थोड़ी सी कान्हा जी ये बोलना चाह रहे हैं, थोड़ी सी कान्हा जी को दुख पहुंचता है, भगवान को थोड़ी सी दुख पहुंचता है कि तूने जो कर्म किया उसका फल तुझे मिला, तो मैंने तुझे वो दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हो जा, इसके बाद कुछ और कर। तो ऐसा कुछ है, शायद आपके लाइफ में जो भी है उसके लिए आपको थैंक यू बोलनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है शायद आप अगर देखोगे तो और लोगों के पास नहीं है। थैंक यू बोलना सीखिए, जो अपने पास है, जो भी हासिल कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहले तो खुशी मनाइए, क्योंकि उसका अगर खुशी नहीं मनाओगे तो आपने जो अचीव किया है आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो सी, इफ यू फेल टू अचीव योर गोल चेंज द स्ट्रेटजी नॉट द गोल। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं आप में फियर्स भी दिख रहा है पाल थ्री। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिससे आप डरते हो, शायद नाकामयाबी से डरना नहीं है पाल थ्री, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा जी यही बताना चाहते हैं कि आपको अपनी गोल जो आप सेट कर रहे हो वो अचीव करने के लिए जो स्ट्रेटजीज है उसको बदलने की जरूरत है। एक बार आप हार जाओ और गोल ही छोड़ दो, मतलब वहां तक जाने की आप रास्ता ही तय ना करो, ये मत करना है, ये नहीं करना है। बल्कि आप अगर किसी चीज में थोड़ी सी आपकी आपको नाकामयाबी मिल रहा है तो कोशिश करो कि उसको और कैसे तरीके से आप खुद के हित में कर सकते हो, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई आपके लिए नहीं कर सकता। कान्हा जी की ये वचन याद रखो कि जब भी हार किसी चीज में हार मिल रही है तो वो हार नहीं है, बल्कि वो आपको और भी ज्यादा मजबूत बना रही है ताकि आप अपने गोल को ना भूलो, उसको और भी ज्यादा दिमाग में बिठा लो और आगे बढ़ो। लास्टली जो मैसेज है वो है, ओके, मैन इज मेड बाय हिज बिलीव एज बिलीव्स सो ही इज।
इंसान क्या है, इंसान अपने विश्वास के ऊपर है। आई थिंक इस पायल को अपने आप के ऊपर थोड़ी सी शक होती है, कॉन्फिडेंस की कमी है, डर है। जो फियर्स है वो कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। तो कॉन्फिडेंस आपको कैसे मिलेगा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि इंसान क्या होते हैं, अपने बिलीव के ऊपर ही इंसान बनते हैं। अगर आप खुद के ऊपर बिलीव करते हो, किसी चीज के ऊपर बिलीव करते हो, तभी जाके वो चीज बनता है। अदरवाइज उसमें जान ही नहीं आएगा जब तक आप उसमें बिलीव नहीं करोगे। जैसे कि एक अपने पुतला बना दिया लेकिन उसको आपने सजाया ही नहीं, तो माटी का ही वो पुतला कहा जाएगा, उसको कोई ब्यूटीफुल नहीं कहेगा। एक शरीर है, अगर उसमें जान ही नहीं है तो उसको सिर्फ हम शरीर ही कहेंगे, उसको इंसान नहीं कहेंगे। तो वैसे ही हमारे बिलीफ सिस्टम है, अगर कोई चीज को हम अचीव करना चाहते हैं, किसी चीज को अगर हम सक्सेस देना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसमें जो जान भरनी है वो है विश्वास की। विश्वास अगर वहां पर करते हो तो वहां पर जान आ जाती है, उसके बाद आप उस काम को हासिल कर सकते हो, कर सकते हो। यही बताना चाहते हैं कान्हा जी, और ट्रस्ट मी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको ऐसे गाइड कर पा रही हूँ। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो तो मुझे जरूर बताना, स्पेशली कान्हा जी को थैंक करना, क्योंकि ये उन्हीं की बदौलत है कि आपको वो रास्ता मिल रहा है आगे बढ़ने की। चलिए अभी यहाँ आगे देख लेते हैं एंजल्स के थ्रू आपको क्या पता चलती है। जस्ट सेकेंड, मुझे थोड़ी सी और शफल करनी है। ओके, फॉर माय बेल्ट्री, थैंक यू। इन द नियर फ्यूचर आपका काम बन जाएगी, ये बोलना चाहते हैं स्पिरिट्स। आपको जो भी मिलना है वो मिल जाएगी, नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं है। तो मैंने जैसे आपको गाइड किया है उसको फॉलो अप करो, यही वो बताना चाहते हैं आपको। इस वक्त पे कुछ चीजें हैं जिससे आप चूक रहे हो, आपका डर, आपका बिलीव, ये सारी चीजों में आप खुद में और भी ज्यादा काम करो, आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। पायल थ्री आपने येल्लो भी चूज किया है और आप में बहुत टैलेंट है, मुझे ऐसा लगता है। सो डेफिनेटली यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे बताना, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हे पायल फोर, जिन्होंने भी स्किन कलर को चूज किया है, ये रीडिंग है आपके लिए। ओके, सो आपने इस कलर को चूज किया है, मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप की निशानी है, जॉय की निशानी है, अफेक्शन की निशानी है। और जब मैं ये लिख भी रही थी इस कागज में तो बहुत ज्यादा लव की वाइब आ रही थी, यू नो, बार बार लव की जो श्लोक है, प्रेम को लेकर, प्रेम की जो कथा है कृष्णा जी की, वो बहुत बहुत ज्यादा आ रही थी। तो ये पायल मुझे बहुत स्ट्रांगली लव को लेकर, फ्रेंडशिप को लेकर ऐसा लग रहा है। ठीक है, थोड़ी सी क्लींस कर लेते हैं हम एनर्जी, ताकि पायल थ्री की एनर्जी अपने ना आए। थैंक यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो गीता के श्लोक्स हैं वो अलग अलग चीट में अलग अलग हैं, तो हमें चार कलर का पेपर अलग अलग चाहिए। लेट्स सी क्या आती है। ओके, चलिए हमें ये चारों मिला है, अभी फर्स्टली देख लेते हैं क्या है। ओके, इफ यू फेल टू अचीव योर गोल, चेंज द स्ट्रेटजी नॉट द गोल। पायल थ्री में भी ये आया था आई थिंक, कि अगर आप किसी चीज में फेल हो जाओ तो आपको वो गोल चेंज नहीं करनी है, बल्कि अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। अगर कोई रिलेशन खराब हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा रिलेशन नहीं चलेगा। कोई इंसान गलत निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है दूसरा इंसान भी वैसा निकलेगा। कोई जॉब सही नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है दूसरा जॉब भी गलत होगा। आपके साथ पहली बार गलत हुआ है तो इसका मतलब नहीं है कि दूसरी बार भी गलत हो जाए। तो कंपैरिजन बंद करो,
बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर वही सुनाई दे रहा है कि अगर आप कंपेयर करते हो तो कंपैरिजन कर आप बंद करो, और अगर किसी चीज में आपको नाकामयाबी मिलती है तो आपको वो चीज पाने से डरना नहीं है, बल्कि और ट्राई करनी है, अलग ट्राई करनी है, ठीक है। दूसरी गाइडेंस ओके, ये मैसेज तीनों पायल में ही था, तीनों पायल में द की टू हैप्पीनेस इज रिडक्शन ऑफ डिजायर्स। ट्रस्ट मी, जब ये मैंने लिखा तो इसने ना सोच में मैं पड़ गई कि आखिर ये बताना क्या चाहती है, ये मैसेज क्या देना चाहती है। तो ये बहुत सीधा सा है, लेकिन इसको समझना और एक्सप्लेन करना उतना भी मुश्किल नहीं है। फिर भी ये कहने के लिए सोच में थोड़ी सी हमें डाल देती है, जैसे कि यहाँ पर जो बताना चाहते हैं कान्हा जी वो है कि आप हमारी इंसानों में बहुत सारी सपने होते हैं, हमारी बहुत ज्यादा डिजायर्स होती है, बहुत बहुत कुछ होते हैं जो हमें पाने की चाहत हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हम ऐसे हो जाते हैं कि हमारे पास जो है उसके लिए हम थैंक यू नहीं बोलते हैं, उसको देखकर हम खुशी नहीं मनाते कि हमारे पास एक घर है, एक छत है, हमारे पास क्या जो खाने के लिए ये है जो शायद और लोगों के पास नहीं है। तो हम वो नहीं देखना चाहते हैं जो हमारे पास होती है, बल्कि हमें वो चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो ये गलत नहीं है, लेकिन कान्हा जी बोल रहे हैं जो आपके पास है उसके लिए कभी आपने खुशी मनाई है, कभी थैंक यू बोला है, कभी उसके लिए शुक्रगुजार हुई है? नहीं, हम में से कोई भी नहीं होता। तो सबसे पहले तो उन सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलिए जो ऑलरेडी आपके पास है। अगर आप उनके लिए धन्यवाद देते हैं उनको, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो सारी डिजायर सबके फुलफिल होने लगेगा जो सच में आपको चाहिए। और जब भी आपकी एक डिजायर फुलफिल हो, कोशिश करें उसकी खुशी मनाने की, क्योंकि आपके बहुत सारी इच्छाओं में से एक इच्छा की पूर्ति हुई है, तो इसके लिए धन्यवाद दें। ये कहने के आपके लिए गाइडेंस है। और तीनों पाल में ये आया हुआ है, यानी कि हम में से तो 99% लोग ही ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास है हम उसके लिए थैंक यू नहीं बोलते हैं, और जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं उसकी वैसे खुशी नहीं मनाते, बल्कि और भी ज्यादा पाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है, लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल एंड फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। लाइफ कैसा होती है, लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी हम हमारी फ्यूचर की अंदाजा लगा सकते हैं, ये हो सकती है, वो हो सकती है, लेकिन आपके साथ यही होगा, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है वो बोल दे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी ट्विस्ट आती है, जो भी टर्न्स आती है, इसको आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी ऐसी बातों में फिक्स्ड रहना कि यही होनी चाहिए, यही चाहिए मुझे, नहीं, ऐसा नहीं होना है, ओके। तो ये आपके लिए वो गाइडेंस बन रही है। और लास्ट है, लास्ट एंगर एंड ग्रीड आर द थ्री डोर्स टू हेल। ये चीजें तो लोगों में कूट कूट के भरी है, लास्ट एंगर और ग्रीड, स्पेशली ये कलयुग में बहुत ज्यादा नीडीनेस हमें खोखला बना देता है, हमें वो चीजों का कुछ ही नहीं देती है जो हमारे पास है, और गुस्सा सारी चीजों को तबाह कर देता है। लास्ट की एनर्जी मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं आपको, पता ही है। तो इन सारी चीजों में जो लोग भी पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं नरक की अनुभूति करते हैं। नरक स्वर्ग ये तो हमने नहीं देखा, बट मुझे ऐसा लगता है कि नरक उन्होंने इसलिए कहा है कि हम अगर हमारी जिंदगी में खुश नहीं रह पाते हैं, खुद को खुश नहीं रख पाते हैं, अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं रख पाते हैं, तो वहां पर जो हमें जो मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, हमारे अंदर बहुत कुछ चलता है, दिमाग शांत नहीं रह पाता है, तो वो जो एक अनुभूति है, तो वही हमें हेल की कहीं ना कहीं फीलिंग देती है। तो मुझे ऐसा लगता है, और जो लोग ये तीनों चीजें जो लोग हमेशा जिनके मन में ज्यादा होती है लास्ट एंगर एंड ग्रीड, तो उनके मन में हमेशा ये चलती है कि मैं एक अगर एग्जांपल दूं कि कैसे आपने गुस्से में आके कुछ तोड़ दिया, और बाद में जाके आपको एहसास हुआ अरे ये तो इन्होंने मुझे दिया था, मैंने तोड़ दिया, ये इसके साथ एक यादें जुड़ा हुआ था,
अब वो क्या वापस आ सकती है? नहीं। तो ये अफसोस आपके दिमाग में पूरे लाइफ टाइम तक रहेगा, इसकी आप भरपाई नहीं कर सकते हो। शायद वो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है, हो सकते है गुस्से में आके अपने किसी को कुछ बोल दिया। अपने पाने की चाहत में आप जो पा रहे हो उसके लिए थैंक यू नहीं बोला। किसी ने आपको कुछ गिफ्ट दिया, अरे छोटी सी है, ठीक है थैंक यू, हो गया। लेकिन छोटी सी चीज उसने कैसे दिया आपको, वो आपने देखने की कोशिश किया? तो ये सारी है, ये सारी बात है। तो आप जैसे रिलेट कर पा रहे हो डेफिनेटली वैसे ले सकते हो। मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। सो लास्टली हम गाइडेंस ले लेते हैं एंजल्स से कि आखिर क्या डायरेक्ट गाइडेंस आपको मिलती है। और मैंने जो जो आपको बोला ये मेरी नहीं बल्कि कान्हा जी की वचन है, तो वो आपको ये बताना चाहते हैं। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, बहुत मेडिटेशन की जरूरत है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो बैलेंस मिसिंग है कहीं ना कहीं इस पायल के लाइफ में। एंड रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, पॉजिटिव रहने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैंने जो जो बोला है उसके ऊपर जरूर एक बार गौर कीजिएगा। आई थिंक आपको इससे हेल्प हुई है, आपको गाइडेंस मिला है और आप समझ में आए हो, मतलब आपको समझ में आया है कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, कान्हा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। अगर अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू बोलना मत भूलना कान्हा जी को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।